बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में बताया कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं बर्बाद हो गया। बता दें कि ऋषि कपूर को बीते दिन ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि एक्टर को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बता दें कि 67 वर्षीय ऋषि कपूर को बुधवार सुबह उनके परिवार ने HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया। ऋषि कपूर के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने कहा, वह अस्पताल में है, वह कैंसर से पीड़ित है और उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अब स्थिर है। बता दें कि इससे पहले तबीयत खराब होने के कारण ऋषि कपूर को फरवरी में हॉस्पिटलाइज किया गया था। ऋषि कपूर को पहले दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस बारे में खुद एक्टर ने बताया था कि उन्हें इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन दिल्ली से मुंबई आने के बाद उन्हें वायरल फीवर की वजह से फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। बता दें कि ऋषि कपूर अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने विचारों के लिए भी खूब जाने जाते हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर सामुदायिक मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं, लेकिन बीते 2 अप्रैल के बाद से ही एक्टर ने एक भी ट्वीट या पोस्ट शेयर नहीं की है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इसकी जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी है।